स्टिल सर। सर इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। सर मैं घर जाऊं। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है श्रवण? मुझे ना किसी ने नोट्स बनाने के लिए कहा था और उसने मुझे यहाँ 11:30 बजे बुलाया। ओह नो, मैं तो भूल गई। भूल गई? पर अभी तो 4 बज रहे। तू तब से अभी तक यही है? कोई काम वाम नहीं है क्या तुझे? कमाल का बंदा है यार तू भी। मतलब श्रवण, I'm really sorry. वो मैं आने में लेट हो गई, यही ना? You know, yeah, I'm sorry. मैं पहले भी बहुत बार सोच चुका हूँ। In fact, बचपन से यही तो सुनता आया हूँ मैं। ऐसे 200 इंसिडेंट्स गिनवा सकता हूँ मैं तुम्हें। गिनवाऊँ? बचपन से यही तो करती आई हो। मैं तुम्हारा होमवर्क करूँ, साइकिल का पंचर ठीक करूँ, तुम्हारे पीछे पीछे तो तुम प्रॉपर किसी और के साथ जाओ, मुझे बुलाओ और भूल जाओ, खेलो मेरे साथ। सब जानती थी तुम, सब जानती हो, फिर भी यही करती थी और यही करती हो। और सबके बाद आंसर, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस की ना तुम्हें परवाह थी ना ही आज है। श्रवण एक मिनट, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या जानती थी तभी और अब भी क्या जानती हूँ? इनफैक्ट वो मैसेज तक मैंने तुम्हें गलती से भेज दिया था। मैं भेज दिया था? मतलब सब जानबूझ के करती हूँ। श्रवण मैं ये सब जानबूझ के क्यों? अच्छा लगता है तुम्हें जानकर? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मुझे ना किसी ने नोट्स बनाने के लिए कहा था और उसने मुझे यहाँ 11:30 बजे बुलाया था। ओह नो, मैं तो भूल गई। जिस दिन तुझे किसी का इंतजार करना पड़ेगा ना, तब पता चले। मैं कभी किसी का इंतजार नहीं करने वाली, समझा? लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखा था, वो पढ़ा? मैं लाइब्रेरी गई नहीं, भूल गई यार। अभी सैटरडे संडे स्कूल बंद, मंडे पढ़ लूंगी ना। सब जानबूझ के। श्रवण मैं ये सब जानबूझ के क्यों कर? अच्छा लगता है तुम्हें जानकर? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और डर दिया मैंने तुम्हें श्रवण, जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया मैंने, लेकिन इन सब बातों को जानकर भी तुम फिर भी तुम मुझे मिस करते हो।
swear, मामी जी, इस पोर्ट्रेट को देख के ना श्रवण इतने गुस्से में था, इतने गुस्से में, मैंने इतने गुस्से में ना श्रवण को कभी नहीं देखा, इतने जोर जोर से शाउट कर रहा था, my goodness, and पापा जी ने बहादुर को बोला कि ये पोर्ट्रेट बाहर जाके फेंक दो, वो तो मैंने इसे संभाल के रखा, मुझे लगा शायद वैंडी पुत्र तुझे ऐसी शक्ल से दिखती है ना, ऐसी है बिल्कुल नहीं, मतलब मम्मी जी, मतलब कितनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है तू, थैंक यू मम्मी जी, मम्मी जी मैं ना इसे संभाल के रख देती हूँ, हाँ चेती चेती जा, इसे छुपा कर अच्छे से संभाल कर रख दे, वैंडी पुत्र तुझे खुद ही नहीं पता इतना जबरदस्त आइडिया दिया है तूने मेनु, निर्मला, निर्मला वही है जो श्रवण को इस घर से दूर, बहुत दूर जाने पे मजबूर कर सकती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा लगता है तुम्हें जान के, मैं तुम मिस कर रहा कर रहे थे, आ गई तू आंटी, आप कब आए? बस अभी अभी आई, रुक प्रसाद देना है तुझे, तेरी तबीयत कैसी है? तिवारी जी बता रहे थे तुझे बुखार था। जी आंटी अब बेटर है। क्या हुआ सुमन, तू मुझे परेशान लग रही है। सुमन क्या हुआ? आंटी आपका बेटा ना खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगा। झगड़ा करके आई है उससे? झगड़े की बात नहीं है, उसे समझना इतना मुश्किल है ना, मतलब कभी कभी तो इतना खुश हो जाता है जैसे कि पूछो मत, और कभी कभी इतने गुस्से में रहता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। बड़ा बेस्ट फ्रेंड बनता है, बेस्ट दुश्मन है वो, बेस्ट दुश्मन। आंटी आप हंसिए मत, आपके उस बेटे की वजह से ना मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। सुमन तुमने कभी सोचा है तुम और श्रवण कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो? 13 साल। 13 साल बहुत लंबा समय होता है, इतने में तो किसी जानवर से लगा हो जाए, तुम दोनों तो फिर भी इंसान हो। जानती हो इंसान किससे झगड़ा करता है, किससे नाराज होता है? जिसे वो अपना समझता है। श्रवण का तुम पर यूं गुस्सा करना, तुमसे ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है, तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल फील करता है।
शायद आप सही कह रही हैं आंटी। जानती हो सुमन, ये रिश्ते भी ना पौधों की तरह होते हैं, बहुत नाजुक। जिस तरह पौधों का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी हिफाजत करनी पड़ती है, ऐसे ही रिश्तों को भी संजो कर रखना पड़ता है, उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है ना? एक और बात, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर अक्सर बाद में पछताना पड़ता है। रिश्तों को थोड़ा वक्त देना चाहिए, पनपने के लिए, सांस लेने के लिए। हम सबको लाइफ में थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, ऐसे ही रिश्तों को भी एक ठहराव, एक स्पेस की जरूरत होती है। तुम अपने और श्रवण के रिश्ते को थोड़ी स्पेस देकर देखो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। सुमन, श्रवण को वो कॉफी टेबल बुक कैसी लगी? बहुत एक्साइटेड था वो आंटी, इतना खुश हो गया था, और उसके बाद पता नहीं क्या हो गया उसे। सबिन चेंज। अच्छा कोई नहीं, चल सोने की तैयारी करते हैं। अच्छा मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही थी, लेकिन अब नहीं। आज से मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं कुछ ज्यादा ही खुश रही थी तुम्हारी लाइफ में, लेकिन अब नहीं। आज से मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। बेचारे फोन पे किसका गुस्सा निकाल रहे हो भैया? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ पूछना था? हाँ, वो बताना था सैगल से जो मीटिंग थी ना उसके बारे में, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले आप ये बताओ कि आप इतने डिस्टर्ब क्यों? किसने कहा मैं डिस्टर्ब हूँ? भैया, भाई हूँ मैं आपका। चलो बताओ क्या हुआ। लाइफ में कुछ रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं छोटे, की समझ नहीं आता उन्हें हैंडल कैसे करें। सुमो के बारे में बात कर रहे हो ना? सुमो कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो बस ऐसे ही। शाम को फोन आया था भैया उसका, आपके बारे में पूछ रही थी, और आप भी शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। वो वहां पर परेशान है और आप यहां पर परेशान हो। देखो भैया, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है ना, मेरे हिसाब से आप लोगों को उस बारे में बात करनी चाहिए। और कोई जरूरत नहीं। कुछ रिश्तों को एक समय के बाद आगे बढ़ाने नहीं चाहिए, उससे उम्मीद बढ़ती है, और उम्मीद से इंसान को सिर्फ एक चीज मिलती है, धोखा। भैया, मुझे पता है कि आप किस धोखे की बात कर रहे हो, लेकिन उस बात का इस बात मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। श्रवण भैया और सुमो,
जानकर भी अपने जज्बात को अनदेखा कर रहे हैं। श्रवण भैया भले समझे ना समझे, सुमो जरूर समझेगी। शेड्स कहाँ रख दिए मैंने? कल श्रवण से मिलने गई थी, लगता है वहीं पर छोड़ दिया मैंने। तूने उसे प्रॉमिस किया है कि तू उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। हो सकता है उसने कॉल किया, नहीं फिर मिस कॉल अलर्ट आता। अच्छा है सुमन कि तुम मेरी लाइफ में डिफेंड करना चाहती, इनफैक्ट ये हम दोनों के लिए अच्छा है। ये ले, आ गई तेरी नई टेंशन। फीडबैक फॉर्म है, जैसे मैंने कहा था वैसे ही छिपाया ना। अब तूने जैसा सैंपल दिया था ना वैसे ही है। सुमो तेरे को भी ना वेले पंगे लेने की बीमारी हो गई है। अब क्या जरूरत है हर एक कस्टमरों को फीडबैक फॉर्म देने की? शिवम की पोल कैसे खुली थी? मिस्टर प्रधान के फीडबैक से। इससे लिए फीडबैक लेना जरूरी है, समझी? अच्छा एक काम कर, आज से हर एक टिफिन के साथ एक एक फीडबैक फॉर्म जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि हमारे कस्टमर्स हमारे खाने के बारे में क्या सोचते हैं, समझी? लेकिन सबने फीडबैक दे दिया तो? मतलब इतने सारे फॉर्म पड़ेगा कौन? तू। ओए नीरू रुक रुक रुक, अब बूंदी रहने दे, आज पाइनएप्पल का रायता बनेगा। लेकिन मुझे तो बूंदी का रायता ही खाना है। पुष्कर तू यहाँ? यार तेरा पीसीटी तो बहुत सही है। तू लेकिन यहाँ कैसे आया? अच्छा सुन पहले बता क्या पिएगा, ठंडा या गर्म? यार मुझे तू ना चाय पिला दे। एक सेकंड, ओए सुन एक चाय चढ़ा जल्दी से, बैठ यहाँ पर। यहाँ कैसे आया? सुमो मुझे ना तुझसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज पुष्कर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है यार। तेरे और भैया के बीच में क्या है अगर ये तुम दोनों नहीं समझ पा रहे हो ना तो मैं बता देता हूँ। क्या है हम दोनों के बीच में? सिर्फ दोस्ती तो, और दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर काम करने की एक्टिंग खत्म हो गई हो तो मेरी बात सुन ले। तू कह रही थी ना कि क्या बड़ी बात हो गई, मैं बताता हूँ क्या बड़ी बात हो गई। तुम दोनों ना एक दूसरे से दूर रह के भी दूर नहीं रह पा रहे हो। कहने को एक दूसरे से नाराज हो लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, एक दूसरे से गुस्सा नहीं हो, अपने आप से गुस्सा हो तुम लोग। पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.